तो हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया सब? तो गाइस दोबारा से खेलने वाले हैं अपन GTA 5। और गाइस आज हम यहाँ पर अपने इंडियन कार वर्सेस सुपर कार के बीच में गाइस ब्रोकन रोड जंप चैलेंज करने वाले हैं। एंड गाइस तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो आज का जो अपना चैलेंज है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गाइस आज जो है भाई अपना रैम्प भाई बीच बीच में टूटा हुआ है, इसमें है गैप, और गाइस इसके ऊपर गाड़ी को चल के जाना है भाई फुल ऑन रफ्तार में, और उसके बाद गाइस जो है भाई अपनी गाड़ी को यहाँ से जंप लेना है और पहुंचना है गाइस इस मिलिट्री बेस के अंदर। तो जो भी गाड़ी गाइस इस बाउंड्री के इस पार गिरेगी, मतलब अंदर गिरेगी, वो अपने चैलेंज में विनर होगी, और जो गाड़ी भाई पीछे रह जाएगी वो आज के चैलेंज में फेल होने वाली है। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ी चैलेंज कंप्लीट कर पाती है। ऑलराइट गाइस, अपनी सबसे पहली गाड़ी है गाइस अपने महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। तो देखते हैं गाइस, शुरुआत थोड़ा तो मैंने सोचा बड़ी गाड़ी से करते हैं, क्योंकि बाद में छोटी छोटी गाड़ी अपन ट्राई करने वाले हैं। तो लेके चलते हैं गाइस स्कॉर्पियो एन को। एंड ओके गाइस, स्कॉर्पियो एन तो भाई तगड़ी जा रही है भाई, काफी खतरनाक जा रही है। ओ भाई साहब, भाई बिग डैडी एसयूवी तो कर जाएगी मेरे को लग रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर गाड़ी ने जंप मारा है गाइस, एंड क्या ये पहुंचेगी, क्या पहुंचेगी? ओ गाइस यहाँ पर काफी क्लोज था, अगर थोड़ी बहुत स्पीड स्लो रह जाती ना भाई तो ये गाड़ी मे बी फेल भी हो सकती थी। गाइस अपनी पहली सुपर कार जो हमने ली है गाइस वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गाइस आपको तो पता है भाई जैस को कितनी पावरफुल है और कितनी खतरनाक भागती है भाई। बट गाइस यहाँ पर देखते हैं ब्रोकन रोड पे भाई कैसा चलने वाली है। तो लेट्स गो, ये चली गाइस जैस को यहाँ पर। एंड ऑल राइट यार, जैस को भी तगड़ी जा रही है गाइस, ये देखो भाई साहब। एंड स्पीड देखो गाइस, ओ भाई 300-400 की स्पीड ऑलमोस्ट पहुंच गई थी, और ये गाड़ी भाई मेरे को लग रहा है सबसे लंबा जंप करने वाली है भाई आज के चैलेंज में। एंड जी गाइस, इसने तो भैया जो है रिकॉर्ड ही बना लिया है, अभी देखते हैं इसका रिकॉर्ड कौन तोड़ता है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपने टोयोटा की फॉर्च्यूनर लेजेंडर। एंड लेजेंडरी कार गाइस क्या ये चैलेंज कर पाएगी, देखते हैं। एंड ओके भाई, पहली बार में तो मेरे को लगा था यार यहाँ पर जो है गाड़ी है ना गाइस भाई वो दिक्कत में है, बट नहीं नहीं अच्छी जा रही है गाइस अपनी लेजेंडर यहाँ पर। एंड आगे देखते हैं क्या होता है। एंड ऑल लाइट, गाड़ी ने यहाँ पर जंप मार दिया है, काफी सही जंप किया है, और ये वाली जो गाड़ी है गाइस अपनी लेजेंडर वो अपने आज के चैलेंज में काफी इजीली पास हो चुकी है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी शान। एंड देखते हैं गाइस लैम्बोर्गिनी शान ये चैलेंज करेगी या नहीं करेगी। एंड ऑल लाइट गाइस, लैम्बोर्गिनी शान भी और तगड़ी जा रही है भाई, यहाँ पर देख सकते हो खतरनाक जा रही है गाइस। एंड देखते हैं क्या होता है। ऑल लाइट, स्पीड भी काफी अच्छी है गाइस लैम्बोर्गिनी शान की, क्या ये भाई मिलिट्री बेस के अंदर लैंड हो पाएगी? एंड ओके गाइस, काफी इजीली जो है भाई अपनी लैम्बोर्गिनी शान भी गाइस ये चैलेंज कर चुकी है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी चौड़े चौड़े टायर वाली महिंद्रा थार। एंड देखते हैं गाइस महिंद्रा थार ये चैलेंज करेगी या नहीं करेगी। एंड ऑल राइट, ये चली गाइस थार यहाँ पर। थार ओ भाई काफी तगड़ी जा रही है गाइस, ये देखो। एंड गाड़ी की स्पीड देखो यार, काफी तगड़ी हो चुकी है गाइस यहाँ पर। एंड 280 की स्पीड से गाड़ी ने जंप मारा है, क्या ये पहुंच पाएगी? ओके गाइस, पहुंच जाएगी यार, काफी आराम से जो है गाइस अपनी महिंद्रा थार यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी ला फरारी, और देखते हैं गाइस ला फरारी ये चैलेंज करेगी या नहीं करेगी। एंड ऑल राइट, ये चली गाइस अपनी ला फरारी, और ला फरारी की यार जो है तगड़ी जा रही है गाइस यहाँ पर। एंड बिल्कुल लग रहा है यार ब्रोकन रोड से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यार इन गाड़ियों को, भाई बहुत स्मूथ यहाँ पर चल के जा रही है, लाइक ऐसे चल के जा रही है ऐसे भाई इनके लिए कोई प्लेन रोड वहाँ पे लगा रखा हो, बट एक्चुअल में वहाँ पर रोड में बीच बीच में गैप है। तो गाइस अपनी ला फरारी भी आज के चैलेंज में विनर होती है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी मॉन्स्टर बीस्ट फोर्ड एंडोवर गाइस। एंड देखते हैं गाइस फोर्ड एंडोवर कर पाएगी या नहीं। एंड ऑल राइट, ये चली गाइस मॉन्स्टर बीस्ट फोर्ड एंडोवर यहाँ पर, भाई तगड़ी जा रही है गाइस भाई साहब। एंड स्पीड भी देख सकते हो और काफी अच्छी है गाइस एंडोवर की, तो देखते हैं क्या ये पहुंचेगी या फिर नहीं। एंड ओके गाइस, एंडोवर भी जो है काफी इजीली भाई आज के अपने चैलेंज में विनर हो चुकी है। गाइज अपनी अगली गाड़ी है गाइज अपनी बुगाटी सुपर 300। एंड फटाफट से लेके चलते हैं गाइज सुपर 300 को, और देखते हैं ये कर पाएगी या नहीं। तो गाइज ये चली भाई अपनी सुपर 300 यहाँ पर। एंड देख सकते हो गाइज सुपर 300 भी काफी तगड़ी जा रही है भाई, ये देखो भाई क्या मस्त है, और स्पीड भी काफी अच्छी है। अब देखते हैं क्या ये लैंड हो पाएगी। ओके, बहुत ही आराम से जो है गाइज मिलिट्री बेस के अंदर अपनी कार पहुंच चुकी, तो ये भी आज के चैलेंज में विनर होती है। गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस टाटा सफारी डाइकोर, और देखते हैं गाइस ओल्ड इज गोल्ड रहेगा या नहीं रहेगा। ये चली गाइस अपनी डाइकोर यहाँ पर। एंड डाइकोर भी यार अच्छी जा रही है गाइस, ये देखो भाई तगड़ी जा रही है भाई साहब यहाँ पर। एंड देखते हैं क्या ये अंदर पहुँच पाएगी। ओके, गाड़ी ने जंप मार दिया है गाइस, अभी देखना होगा क्या होने वाला है। एंड ऑल राइट गाइस, काफी इजीली जो है भाई अपनी टाटा सफारी डाइकोर भी ये चैलेंज पूरा कर चुकी है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट कार है गाइस अपनी रातता टोयोटा सुप्रा। एंड देखते हैं गाइस सुप्रा जो है भाई ये चैलेंज कर पाएगी या नहीं। वैसे ये गाड़ी भी गाइस ओल्ड इज गोल्ड है, क्योंकि भाई ये भी काफी पुरानी कार है गाइस, सन 1918 की गाड़ी है आई थिंक, मेरे को याद मतलब ज्यादा पता नहीं है, पर इतना पता है सन 19 की कार थे, तो
भाई बहुत पुरानी सुपर स्पोर्ट कार है एंड देख सकते हैं यार ये वाली गाड़ी भी जो है भाई कमाल कर चुकी है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपने Hyundai की Venue, और भाई Venue यार ये चैलेंज ना कर पाए ऐसा पॉसिबल है नहीं, अगर वो अलग बात है कि गाड़ी भाई बीच में कहीं लड़बड़ा जाए या गैप में से नीचे गिर जाए, वरना अदरवाइज जो है भाई Venue कर जाएगी। एंड स्पीड देखो भाई 350 की स्पीड थी भाई Venue के यहाँ पर, एंड ऑल राइड यहाँ पर जो है Venue ने काफ़ी तगड़ा एंड लंबा यहाँ पर जंप किया है, और ये गाड़ी भी गाइस आज के चैलेंज में विनर होती है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट कार है गाइस अपनी Bugatti, एंड देखते हैं गाइस Bugatti का क्या सीन होने वाला है। एंड ऑल राइड ये चली गाइस Bugatti, थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रही है भाई यहाँ पर, बट ओके अभी गाड़ी जो है अंडर कंट्रोल है और स्पीड भी देख सकते हैं और काफ़ी खतरनाक है गाइस Bugatti की, देखते हैं क्या ये वहाँ पर पहुँच पाएगी। एंड जी हाँ गाइस बहुत ईजिली जो है गाइस अपनी Bugatti यहाँ पर इस चैलेंज को कम्प्लीट कर चुकी है। गाइज अपनी नेक्स्ट कार है गाइज अपनी Mahindra की स्कॉर्पियो S11 क्लासिक, एंड लेके चलते गाइज अपनी गैंगस्टर S11 को, एंड देखते हैं ये कर पाएगी या नहीं। एंड ऑल राइट भाई जा रही है यार, मस्त जा रही है यार, एंड थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है तो मेरे को डर लग रहा है डिसबैलेंस ना हो जाए, बट ओके गाइज कर गई भाई अपनी S11 क्लासिक यहाँ पर कर चुकी है। आप देखते हैं क्या ये अंदर पहुँच पाएगी मिलिट्री बेस के, एंड जी हाँ गाइस काफी इजीली जो है भाई अपनी S11 क्लासिक भी ये चैलेंज पूरा कर चुकी है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी Ferrari FXK, तो फटाफट से लेके चलते हैं यार इसको भी और देखते हैं ये इस चैलेंज में कंप्लीट मतलब करेगी या नहीं करेगी। एंड ऑल राइट भाई काफी सही जा रही है गाइस अपनी ये वाली Ferrari भी, एंड स्पीड भी यार काफी अच्छी है गाइस इसकी, भाई 300 प्लस की स्पीड से गाड़ी ने जो है जंप किया है, तो मेरे को लग रहा है बहुत ही इजीली जो है भाई आज के ये चैलेंज पूरा कर जाएगी। एंड जी हाँ भाई कर भी लिया है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी Toyota Innova Crysta, एंड देखते हैं गाइस Innova Crysta ये चैलेंज करेगी या नहीं करेगी। एंड ऑल राइट ये चली भाई Innova, एंड शुरुआत में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी बट मेरे को लगा भाई गाड़ी यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो भैया नीचे गिर जाए, पर नहीं गाइस Innova भी जो है भाई अपना मस्त जा रही है। एंड स्पीड भाई इसकी भी बहुत अच्छी थी भाई, 300 की स्पीड ऑलमोस्ट थी गाड़ी की। तो गाइस अपनी Innova Crysta भी जो है भाई वो भी आज के अपने चैलेंज में पास हो चुकी है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी Ford की Mustang GT, एंड गाइस लेके चलते हैं भाई अपने घोड़े को भाई, और देखते हैं घोड़ा दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा। तो घोड़ा जो है यहाँ पर मतलब अच्छा दौड़ रहा है गाइस यहाँ पर, लेट्स गो देखते हैं क्या होता है। एंड ओके भाई स्पीड काफ़ी अच्छी है भाई अपना क्या बोलते हैं Mustang की, एंड ये वाली गाड़ी भी जो है गाइस बहुत ही ईजिली जो है भाई आज के चैलेंज में विनर हो चुकी है। गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी टाटा हैरियर, तो फटाफट से लेके चलते हैं गाइस हैरियर को भी और देखते हैं ये चैलेंज करेगी या नहीं करेगी। एंड ओ भाई साहब ये मैं क्या देख रहा हूँ, अरे भाई गाइस भाई हैरियर के साथ तो मोय मोय हो गया भाई साहब। गाइस भाई हैरियर अपनी पहली ऐसी गाड़ी बन रही है जो कि मतलब इस चैलेंज में फेल हो रही है, तो इसमें गाइस तुम्हारा भाई कुछ भी नहीं कर सकता। गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी Porsche, और लेके चलते गाइस Porsche को, देखते हैं ये कर पाएगी या नहीं। तो ये चली गाइस Porsche, एंड Porsche तो यार भाई ये तगड़ी ही जा रही है भाई यहाँ पर, काफी अच्छी जा रही है। अरे 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 भाई साहब, अरे ओ भाई ये क्या हो गया गाइस भाई, Porsche की टाइम पे ये अचानक से आगे से उठी एंड उसके बाद जो लड़ी है एंड उसके बाद जो इसने मुंह की खाई है और उसके बाद जो है ये गाड़ी फेल हुई है, मतलब वाह वाह क्या कहने हैं भाई। तो गाइज अपनी अगली गाड़ी है गाइज अपनी Mahindra की XUV 700, और भाई अपनी है मतलब जो अपनी 700 है वो तो आपको पता है कितनी प्रीमियम SUV है, पर ये क्या हो रहा है, अरे भाई साहब भाई बच जाओ यार XUV 700, कमॉन ओहो बच गई है गाइज गाइज तुम्हारा भाई यहाँ पर पूरा ट्राई करने वाला है इसको बचाने का। एंड यार कमॉन यार अगर ये इतने में कर गई ना भाई, तो यार गाइस तुम लोग जो है ना यहाँ पर लाइक एक बारी ओपी जरूर से लिख देना, बाकी देखते हैं क्या होता है। ओह नो यार गाइस भाई XUV 700 भाई ये क्या कर दिया तुमने यार, मेरे को लगा था भाई मतलब इस गाड़ी से मेरे को ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, बट अभी गाइस क्या ही कर सकते हैं जो कुछ आप लोगों के सामने है। तो गाइस अपनी ये वाली गाड़ी भी आज के चैलेंज में फेल होती है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट कार है गाइस यहाँ पर अपनी Audi R8, और लेके चलते हैं गाइस Audi R8 को भाई साहब, है देखते हैं क्या होने वाला है। एंड ऑल लाइट, अरे भाई अभी गाइस अब ये क्या सीन हो रहा है भाई, बैक टू बैक गाड़ियाँ यहाँ पर अपने चैलेंज में फेल होती आ रही, मतलब अभी तक बैक टू बैक गाड़ियाँ जो थी भाई चैलेंज करती जा रही थी और अभी बैक टू बैक गाड़ियाँ जो है भाई यहाँ पर अपने चैलेंज से आउट होती जा रही है। तो गाइस ये वाली गाड़ी भी आपको पता है इसके साथ क्या हो चुका है। तो गाइस अपनी अगली गाड़ी है गाइस अपनी न्यू वाली टाटा सफारी की, एंड आई होप कि ये वाली गाड़ी के साथ में कोई गड़बड़ ना हो, तो इस बार ना तुम्हारा भाई बिल्कुल प्यार से उतारने वाला है। एंड लेट्स गो भाई, टाटा सफारी जा रही है काफ़ी सही जा रही है, एंड उम्मीद है कि ऑल गुड रहे। ओके गाइस मेरे को लग रहा है ये वाली गाड़ी कर जाएगी, एंड स्पीड भी काफ़ी अच्छी है भाई न्यू टाटा सफारी की। एंड लेट्स गो गाइस देखते हैं क्या होता है। एंड ऑल राइट गाइस, चलो फाइनली भाई काफ़ी देर बाद
अपनी कोई तो गाड़ी जो है भाई अपने चैलेंज में विनर हुई है। तो गाइज अपनी अगली गाड़ी है गाइज अपनी बुगाटी वॉयड, एंड लेके चलते गाइज अपनी बैटमैन बुगाटी को गाइज, और देखते हैं ये कर पाएगी या नहीं। तो ये चली गाइज बुगाटी वॉयड। ओ अरे यार ये क्या हो गया भाई, काफी सही जा रही थी, पता नहीं भाई अचानक से क्या हुआ गाइज, एंड अपनी जो बुगाटी वॉयड है वो गाइस आज के अपने इस चैलेंज में यहाँ पर फेल होती है। तो गाइस अपनी नेक्स्ट गाड़ी है गाइस अपनी महिंद्रा की बुलेरो नियो, एंड लेके चलते गाइस अपनी नियो को और देखते हैं ये कर पाएगी या नहीं। तो ये चली गाइस नियो यहाँ पर, एंड ओके गाइस नियो जो है काफ़ी सही जा रही है भाई, बहुत ही मस्त जा रही है। एंड ऑल लाइट देखते हैं क्या होता है, क्या ये पहुँच पाएगी। एंड ओके भाई गाड़ी ले जंप मार जाए, स्पीड भी ठीक ठाक थी तो मुझे लग रहा है कर जाएगी। एंड जी हाँ गाइस भाई अपनी महिंद्रा बुलेरो नियो भी आज के अपने चैलेंज में विनर होती है। गाइज अपनी नेक्स्ट कार है गाइज यहाँ पर अपनी माजदा RX-7, और देखते हैं गाइज ये वाली गाड़ी के साथ में क्या होता है, क्या ये चैलेंज कर पाएगी या नहीं, देखते हैं भाई क्या होता है। एंड ऑल लाइट भाई काफ़ी ज़्यादा उछल रही थी बीच में, पर गाड़ी स्टेबल हो चुकी है एंड मेरे को लग रहा है अब तो इसके साथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ओके यार गाड़ी जो है गाइज यहाँ पर जंप ले रही है, और जंप के टाइम पर स्पीड काफ़ी सही थी भाई अपनी माजदा RX-7 की। तो गाइज आज के अपने इस चैलेंज में ये वाली गाड़ी भी भाई पास होती है। गाइज अपनी ये इंडियन कार की लास्ट कार बची है, और ये गाइज अपनी मारुति सुजुकी ब्रीजा एड है, देखते हैं यार ब्रीजा कर पाएगी नहीं। वैसे मेरे को उम्मीद तो है भाई ब्रीजा पे कि कर जाएगी, बट ये क्या हो गया भाई साहब, हेलो व्हाट आर यू डूइंग भाई। ये गाड़ी पता नहीं यार मेरे को तो समझ में नहीं आया भाई, काफ़ी सही जा रही थी, पता नहीं है अचानक से गाइज क्या हुआ, एंड जो गाड़ी का डिसबैलेंस मतलब लाइक हुई है उसके बाद तो सब गड़बड़ी हो गया गाइस। गाइस ये अपनी आखिरी गाड़ी बची है, एंड ये है गाइस अपनी निसान GT-R, और तुम्हारे भाई की लाइक फेवरेट स्पोर्ट कार है क्योंकि मेरे को पर्सनली यार काफ़ी अच्छी लगती है गाइस निसान GT-R। एंड देखते हैं गाइस निसान GT-R, और अरे भाई साहब ये तो डिसबैलेंस हो गई थी, पर तुम्हारे भाई ने मतलब अपनी फेवरेट कार यहाँ पर कंट्रोल कर लिया जैसे तैसे ही थी। एंड चलो गाइस अभी देखते हैं जंप मार दिया इसने, क्या ये पहुँच पाएगी, क्या ये पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। एंड ओके गाइस निसान GT-R ने भी जो है भाई आज का अपना चैलेंज यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो गाइस देख सकते हो आज के अपने चैलेंज में ना लाइक ज़्यादा गाड़ियाँ मतलब फेल हुई नहीं है, थोड़ी ही गाड़ियाँ फेल हुई है। तो आप लोग अच्छा कमेंट में बताना कि यहाँ पर आज के अपने इस चैलेंज में कौन कौन सी गाड़ियाँ फेल हुई, तो मैं इससे मतलब मेरे को पता लगेगा कि आप लोग जो है मेरी वीडियो को यहाँ पर कितना ध्यान से देखते हो। तो जाके जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आज यहाँ पर अपने चैलेंज में कितनी टोटल गाड़ियाँ फेल हुई हैं। एंड बाकी गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो यार अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर से करो क्योंकि गाइस हमें जल्दी भाई अपने 2 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट करनी है, जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।